الله 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 पहले चार मिसरे सुन लीजिए, उसके बाद देखूंगा इंशाल्लाह आपकी समाअत का इम्तिहान ले रहा हूं। शेर पे क्या दरा कि कुछ सजाएं वक्त पर मिलती है कुछ ताखीर से। आए हाय, ये शेर मुजाहिद हसनैन हबीबी का नहीं, मेरे दोस्त हुआ करते हैं अर्शिक कलियरी, बस उन्होंने चलते चलाते एक शेर सुना दिया था, हाफजे में महफूज हो गया, वही आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं, भागने की कोशिश कर रहा हूं। शेर पे क्या दरा कि कुछ सजाएं वक्त पर मिलती है कुछ ताखीर से, बच नहीं सकता मगर जालिम किसी तदबीर से। कुछ सजाएं वक्त पर मिलती है कुछ ताखीर से, बच नहीं सकता मगर जालिम किसी तदबीर से। ये हुसैन इब्ने अली के कातिलों की है सजा, वो कभी हाथों से पिटते हैं कभी जंजीर से। ये हुसैन इब्ने अली के कातिलों की है सजा, वो कभी हाथों से पिटते हैं कभी जंजीर से। अब वहां तक ले चलता हूं, नबी की शान में वो जुमले गिनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो आपकी दुआएं मुझे चाहिए, मुझे भी जरूरत पड़ गई नाक निकालने की। आइए मेरे दोस्तों, एक बात बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब रूह जमीन पे अपने हबीब को पैदा किया तो सर से लेकर पांव तो खूबियां ही खूबियां डाल दी। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे दोस्तों, वो ना आए होते तो दरिया को तुगयानी न मिली होती, वो ना आए होते तो सूरज को शुआए न मिली होती, वो ना आए होते मौजों को रवानी न मिली होती, वो ना आए होते पंज वक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता। अरे वो ना आए होते रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयसर ही नहीं हुए होते, वो ना आए होते कुरान करीम का नुजूल ही न हुआ होता। कहने की इजाजत दीजिए तो मुजाहिद ये कह दे कि अरे वो ना आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फितरो फाका ने हल किए माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। आइए मेरे दोस्तों, हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, रात की तारीकी में सोती हूँ, चांद सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, सहेलियों के साथ कुएं पे जब पानी लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछल कर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, बदलिया मेरे को धूप ये साया करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इत्र कहां से लगाई है। हजरत आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर जब से मेरे बदन में ये बच्चा आया है, मेरा बदन महकना दूर की बात, घर का महकना दूर की बात, गलियों का महकना दूर की बात, आमा मैं जहां थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। कुरान करीम में देखे, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में, नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बा लिखा कुरान में, नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तनवीर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को साबित बना दिया, अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में, नबी को जमील बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में, नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने खा लिखा कुरान में, नबी को खत्म रसूल बना दिया, अल्लाह ने ताल लिखा कुरान में, नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने साल लिखा कुरान में, नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में, नबी को रहमतुल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को शहीद बना दिया, अल्लाह ने सीन लिखा कुरान में, नबी को सिराज मुनीर बना दिया, अल्लाह ने शीन लिखा कुरान में, नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में, नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में, नबी को तारिक और ताहिर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में, नबी को जफर बना दिया, अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने आयल लिखा कुरान में, नबी को हुजूर बना दिया, अल्लाह ने
سالکہ قرآن میں نبی کو فاتح المکہ بنا دیا، اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا، اللہ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لئیت بنا دیا، اللہ نے دین لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا، اللہ نے نور لکھا قرآن میں نبی کو نذیر بنا دیا، اللہ نے باو لکھا قرآن میں نبی کو وائز بنا دیا، اللہ نے ہاں لکھا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا، ارے اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر مجاہد حسین حبیبی، نعتیہ مشاعرہ جناب الطاف ضیاء، جناب دل خیرہ بادی، نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھے بھائی، بہت بہت شکریہ عنایت کرم، اور پتہ نہیں کیا کیا میری آبرو آپ نے بچا لی۔ آئیے میرے دوستو شیر دیکھیں کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے۔ آپ کا چہرہ بہت دور کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے۔ بڑی محبتیں مل گئی، الطاف ضیاء کے زیر لب مسکراہٹ آ جانا میرے دوستوں، میرے جملے میری شاعری کا معراج ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پھنک ڈالو مجمع مجھے بھا گیا ہے، عقیدت کا دل پہ نشہ چھا گیا ہے، محبت سے سب نے جو آواز کی تو مجاہد حبیبی یہاں آ گیا۔